हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज़ के बारे में। सर, रेशियो क्या होता है? अब रेशियो के बारे में ये बोला जाता है कि वो किसी भी दो कैरेक्टर मतलब कि नंबर्स में रिलेशन बताता है कि कैसा इनके बीच का रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने देखा था कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन में कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल बोला गया कि 60,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स देना है। मतलब ये जो अलॉटमेंट हुआ है किस रेशियो में हुआ है? 3:2। मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में कैसा रिलेशन है? 3:2 का, यानी हर शेयर होल्डर जो 3 शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको हमने देना है 2 शेयर्स। क्लियर? तो रेशियो क्या होता है? बताता है दो नंबर्स के बीच का रिलेशन कि कैसा रिलेशन या कितने नंबर्स का रिलेशन है। ठीक है, अब जहाँ तक की बात हुई अकाउंटिंग रेशियोज़ की, अकाउंटिंग रेशियोज़ ये बताता है कि मेरे जो अकाउंटिंग यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो डेटा हैं उनके बीच का रेशियो यानी रिलेशन कैसा है। क्लियर है? तो जितने भी अकाउंटिंग डेटा है, अकाउंटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के डेटा है, उनके बीच का रेशियो रिलेशन कैसा है। और इस पूरे अकाउंटिंग रेशियो को डिवाइड किया गया है 4 हेड में। क्लियर है? पहला हेड है कि लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो दूसरा है, एंड थर्ड इज़ एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्लियर? अब इनके अंदर अंदर क्या आते हैं या इनको निकाला क्यों जाता है, इसके अंदर आने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब हो गया कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को हम कितना फुलफिल कर पा रहे हैं उसके बारे में बताना, और लिक्विड का मतलब होता है कैश। ठीक है, तो मेरे पास कितनी कैश में है या फिर कैश का अरेंजमेंट मेरे पास कैसा है वो हम जानेंगे क्विक रेशियो और करेंट रेशियो की मदद से। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी, तो अभी के लिए हम लोग शॉर्ट में एक तो छोड़ते हैं। लिक्विडिटी के बाद आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग ये चेक करेंगे कि मेरी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो पाएंगी या नहीं, या हो पा रही हैं या नहीं। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कौन कौन से टूल्स, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, और एक चीज़ और ये देखना होगा हमें कि लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो विल बी कैलकुलेटेड इन द रेशियो। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा या उसके जो कैलकुलेशन होंगे वो इस तरीके से होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर उसका आंसर अगर आता है तो इस तरीके से आएगा 2:1, 1.1:1, 3:1, और इसमें लास्ट में 1:1 हमें रखना है, और उसके आगे वाले को उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम न्यूमेरिकल करते समय देखेंगे। फिर देन उसके बाद आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि मेरा जो रिसोर्स है उसके कैसे यूजेस हो रहे हैं और सही यूजेस हैं या नहीं है, उससे मेरा रिटर्न या आउटपुट कैसा मिल रहा है, मतलब कि एक्टिविटी मेरा कैसा हो रहा है, उसके लिए हम लोग निकालेंगे, उसको यूज़ करेंगे। मतलब उसको निकालने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा सर वो निकलता है टाइम्स में। क्लियर? तो हम लोग वहाँ पर अच्छे से देखेंगे। देन उसके बाद आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है? फिर उस वो जो होता है जो प्रोप्राइटरी रेशियो, वो बताता है कि मेरी इफिशियंसी ऑफ बिजनेस कैसी है, मतलब प्रॉफिटेबल है या नहीं है। क्लियर है? वो निकलता है परसेंटेज में, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। क्लियर?